इस अस्पताल में हो चाहे उस अस्पताल में हो, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है। वो हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अभी फिलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। और मेरी मीडिया से भी निवेदन है कि जब आप दिखाते हैं कि इन तीन अस्पतालों के अंदर सारे बेड खत्म हो गए, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्रॉब्लम हो गई। दिल्ली में इस वक्त भी 5000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। आज मेरी सुबह से कई मीटिंग्स हो चुकी है, हम और भी बड़े स्तर के ऊपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि और ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को सही इलाज, समय पे इलाज मिल सके। लेकिन स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिल के ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान, आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है, लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है, एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और खासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस देके उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे, वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा, और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हम आपके लिए लगा रहे हैं, आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए लगा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे, सरकार का, मेरा पूरा साथ देंगे कि ये रिस्ट्रिक्शंस इस वक्त लगाने कितने ज़रूरी हैं। इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को पालन करने के लिए मैं आप सब से हाथ जोड़ के सहयोग की अपील करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके, पहले जो तीन वेव आई थी उसकी तरह से हम ज़रूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। नमस्कार। हेल्थ के बीमा अलग से भेजते हैं।